तो उनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन सो लेट्स स्टार्टेड तो सबसे पहले बात करेंगे आइडेंटिटी लॉ की नाउ व्हाट इज आइडेंटिटी लॉ आपके पास एक स्टेटमेंट है आपके पास एक ट्रूथ वैल्यू है ट्रुथ वैल्यू दो ही होती है इधर ट्रू और फॉल्स ओके सो इफ यू हैव अ स्टेटमेंट एंड यू हैव ऑर्ड इट विथ ट्रू ठीक है स्टेटमेंट और ट्रू अगर आपने ऐसा किया है तो यू विल ऑलवेज गेट आंसर एज ट्रू नाउ दिस देखिए और यानी कि डिसजंक्शन के टेबल में क्या होता है अगर कोई एक भी वैल्यू ट्रू होगी तो फाइनल आंसर ट्रू ही आएगा तो अगर पी और ट्रू लिखा है तो पी के वैल्यू या फिर पी का वैल्यू फॉल्स आएगा या ट्रू से मैटर नहीं करता आपका फाइनल आंसर आपका ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी और ट्रू विल ऑलवेज रिमेन ट्रू वाई बिकॉज वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू ओके नाउ इफ आई टॉक अबाउट पी एंड ट्रू सो इसका ट्रू नहीं आएगा बिकॉज एंड में दोनों कंडीशन चेक होती है इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू सो इट विधर स्टेटमेंट इज ट्रू और नॉट अगर दोनों ट्रू है तभी फाइनल आंसर ट्रू आएगा सो so, अगर पी एंड ट्रू दिया हुआ है तो आपका आंसर डिपेंड करेगा पी पे की पी का वैल्यू क्या है अगर पी का वैल्यू ट्रू है तो फाइनल आंसर ट्रू अगर पी का वैल्यू फॉल्स है तो फाइनल आंसर फॉल्स बिकॉज दोनों स्टेटमेंट ट्रू होने चाहिए इन ऑर्डर टू गेट द आंसर एज ट्रू इन एंड बट दैट इज नॉट द केस इन और और में अगर एक भी स्टेटमेंट कोई ट्रू मिल गया तो फाइनल आंसर ट्रू ही आएगा सो दिस वॉज फॉर ट्रूथ वैल्यू ट्रू नाउ कमिंग टू ट्रुथ वैल्यू फॉल्स अगर पी और फॉल्स है ओके पी और फॉल्स है तो आपका आंसर होगा पी ओके बिकॉज आपका आंसर डिपेंड करेगा पी पे कि पी का क्या वैल्यू है अगर पी का वैल्यू ट्रू है तो फाइनल आंसर विल बी ट्रू p का वैल्यू अगर फॉल्स है तो फाइनल आंसर विल बी फॉल्स बिकॉज इट्स डिसजंक्शन तो जब डिसजंक्शन होता है तो उस केस में एक भी वैल्यू ट्रू होगा तो फाइनल आंसर ट्रू हो जाएगा है ना तो अगर एक वैल्यू फॉल्स दिया हुआ है तो वो पक्का दूसरा वैल्यू चेक करेगा कि वो ट्रू तो नहीं क्योंकि अगर वो ट्रू है तो फाइनल आंसर ट्रू दे देंगे सो दैट्स वाई यहां पे इस केस में द आंसर विल डिपेंड अपॉन पी नाउ कमिंग टू पी एंड फॉल्स तो पी एंड फॉल्स है मतलब एक स्टेटमेंट फॉल्स है बीच में कंजंक्शन है तो अगर कंजंक्शन है तो दूसरा स्टेटमेंट चेक करने की इसको जरूरत ही नहीं है अगर एक स्टेटमेंट फॉल्स है दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स हो या ट्रू से कोई मतलब नहीं है आंसर विल बी फॉल्स बिकॉज दोनों के दोनों स्टेटमेंट जब तक ट्रू नहीं होते तब तक कंजंक्शन का वैल्यू ट्रू नहीं आता सो दैट्स वाई पी एंड फॉल्स विल बी फॉल्स वेर इज पी और फॉल्स विल बी पी ओके दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज नोन एज आइडेंटिटी लॉ मूविंग अहेड नेक्स्ट इज आइडा इंपोर्टेंट लॉ नाउ वॉट इज आइडा इम्पोर्टेंट लॉ आपके पास एक स्टेटमेंट है पी आपने उसका डिसजंक्शन लगा दिया है विद इथ सेल्फ या फिर आपने उसका कंजंक्शन लगा दिया है विद इथ सेल्फ तो आपको आंसर क्या मिलेगा फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव स्टेटमेंट पी सो पी और पी विल गिव यू पी एंड पी एंड पी विल ऑल्सो गिव यू पी ओके तो अगर दो स्टेटमेंट्स सेम है तो उनके बीच में और हो या एंड हो फाइनल आंसर विल बी द सेम स्टेटमेंट ओके दिस इज नोन एज आइड इम्पोर्टेंट लॉ नॉ कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज डबल निगेशन डबल निगेशन में क्या होता है आपके पास एक स्टेटमेंट है जिसका निगेशन है उसके ऊपर और एक निगेशन लगा दिया है तो जब देर आर टू निगेश ऑन अ पर्टिक्युलर वेरिएबल सो द निगेशन गेट कट ऑफ एंड वी आर लेफ्ट विद द ओरिजिनल वेरिएबल सो निगेशन ऑफ निगेशन पी विल गिव यू पी ओके ना कमिंग टू द नेक्स्ट लॉ दैट इज कॉम्प्लीमेंट लॉ ना वॉट इज कॉम्प्लीमेंट लॉ कि अगर आपके पास एक स्टेटमेंट है और आपके पास उसका नेगेशन है सेम स्टेटमेंट का तो अगर आप उनके बीच में डिसजंक्शन अप्लाई करते हैं और अप्लाई करते हैं सो so पी और नेगेशन पी फॉर एग्जाम्पल विल ऑलवेज गिव यू ट्रू वाई बिकॉज अगर आपका पी स्टेटमेंट ट्रू है तो नेगेशन पी स्टेटमेंट आपका फॉल्स होगा अगर आपका पी स्टेटमेंट फॉल्स है तो नेगेशन पी स्टेटमेंट आपका ट्रू होगा दोनों ही केस में कोई ना कोई एक स्टेटमेंट ट्रू आएगा ही आएगा और अगर कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू है दैट मीन्स और कंडीशन कैन बी ट्रू दैट मीन्स आपका ट्रुथ वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग कैन बी ट्रू बिकॉज बीच में और है वेर इज वेर इट इज द केस ऑफ एंड तो उसमें दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए इन ऑर्डर टू गेट द फाइनल आंसर इज ट्रू बट पी एंड नेगेशन पी के केस में क्या होगा कि अगर एक स्टेटमेंट ट्रू है दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स होगा एक स्टेटमेंट फॉल्स है दूसरा स्टेटमेंट ट्रू होगा तो कोई भी केस में ऐसा नहीं होगा कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट ट्रू मिले हेंस इसका ट्रूथ वैल्यू कभी ट्रू नहीं आ सकता इट विल ऑलवेज रिमेन फॉल्स बिकॉज वन ऑफ द स्टेटमेंट विल ऑलवेज रिमेन फॉल्स सो पी एंड ऑलवेज गिव यू फॉल्स एंड पी और निगेशन पी विल ऑलवेज गिव यू ट्रू दिस वॉज कॉम्पलीमेंट लॉ मूविंग अड नॉट टॉकिंग अबाउट कम्यूटेटिव लॉ कम्यूटेटिव आपने पहले ही पढ़ा होगा आपने मैथ्स में कि सपोज आपके पास है थ्री प्लस टू तो थ्री प्लस टू लिखो या टू प्लस थ्री लिखो बात एक ही है तो वैसे ही P और Q लिखो या Q और P लिखो बात एक ही है P एंड Q लिखो या Q एंड P लिखो बात एक ही है सो वेन एवर यू आर सिंप्लीफाइंग द क्वेश्चन यू कैन मेक सच चेंजेस विच आर ओके इट विल नॉट अफेक्ट एनी थिंग इफ यू आर जस्ट चेंजिंग द पोजिशंस ऑफ वेरिएबल्स कीपिंग द कनेक्टिव एज इट इज सो इट डज इट इफेक्ट्स यूर प्रॉब्लम इट इज ओनली एप्लीकेबल इन द केस ऑफ ऑर एंड एंड नथिंग एल्स ओके सो कम्पिटेटिव लॉ इज एप्प्लीकेबल फॉर ऑर एंड एंड नॉट कमिंग टू असोसिएटिव लॉ ठीक है असोसिएटिव लॉ को समझाने के लिए मैं सेम मैथमेटिक्स का एग्जाम्पल लूंगी बिकॉज आपने पहले पढ़ा हुआ है सो कंस्टिडर कीजिए आपके पास है टू प्लस ब्रैकेट में थ्री प्लस फाइव तो इसका आंसर क्या आएगा यू विल गेट थ्री प्लस फाइव यू विल सॉल्व फर्स्ट बिकॉज अकॉर्डिंग टू बॉर्ड मास सो टू प्लस थ्री प्लस फाइव का आंसर इज एट तो टू प्लस एट विच विल गिव यू टेन ना कैन आई सेट प्लस फाइव सो आई सॉल्व टू प्लस थ्री फर्स्ट गिव मी फाइव प्लस फाइव विल गिव मी टेन सो मैं टू प्लस थ्री प्लस फाइव ब्रैकेट में लिखूँ या फिर टू प्लस थ्री को ब्रैकेट में लिख के प्लस फाइव लिखूँ दोनों ही केस में आई एम गेटिंग द सेम आंसर दैट इज टेन सो एसोसिएटेड लॉ भी ऐसे ही काम करता है इफ यू हैव ऑल द कनेक्टिव सेम ऑल द साइन सेम जैसे कि उसमें सारे प्लस थे इस वैसे ही इसमें भी सारे के कनेक्टिव अगर सेम है तो ब्रैकेट किसी के बीच में हो कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई दो पहले सॉल्व हो कोई फर्क नहीं पड़ता तो पी और क्यू और आर हो या फिर पी और क्यू और आर हो दोनों ही दोनों इक्वली होंगे ओके सिमिलरली पी एंड क्यू एंड आर हो या फिर पी एंड क्यू एंड आर हो दोनों ही केस में दोनों सेम है ओके सो दैट्स हाउ एसोसिएटिव लॉ वर्क्स नाउ कमिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज़ डिफरेंट फ्रॉम एसोसिएटिव लॉ वाई बिकॉज यहाँ पे आप ध्यान से देखिए यहाँ पे साइंस आर डिफरेंट वेन साइंस आर डिफरेंट सो यू कैन नॉट फॉलो द एसोसिएटिव रूल यू कैन नॉट जस्ट ब्रैकेट दैम एज एज एन वैन यू वॉन्ट एज एन वैन यू लाइक यू कैन नॉट डू दैट यू नीड टू फॉलो प्रॉपर सिक्वेंस बिकॉज इट मे चेंज योर आंसर सो पी और क्यू एंड आर है तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लीकेशन की थोड़ा थोड़ा सा रूल अप्लाई करना पड़ेगा मैं एग्जाम्पल देती हूँ सो कंसिडर यू हैव टू इन टू ए प्लस बी नाउ इन ऑर्डर टू सॉल्व इट इन ऑर्डर टू एक्सपांड द ब्रैकेट वॉट यूल डू यू विल मल्टीप्लाई टू विथ ए प्लस यू विल मल्टीप्लाई टू विथ बी ओके सो जस्ट रिमेंबर दिस हाउ यू आर सॉल्विंग दिस एंड द सेम अप्रोच वी आर गोइंग टू फॉलो इन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सो वी हैव पी और क्यू एंड आर So, I will make it P or Q and P or R. Your, uh, treat OR as multiplication and uh, AND as plus as per the example that I gave you. So, that it will be easy for you to understand and uh, learn how to distribute this particular statement whenever you want to do it, whether when you are doing simplifications also. Just keep this thing in mind. This is just one of the examples that you can use when, whenever you want to distribute a particular logic statement. सो पी और क्यू एंड आर कैन बी रिटन एज पी और क्यू एंड पी और आर सिमिलरली वैन यू हैव पी एंड क्यू आर आर यू कैन राइट इट एज पी एंड क्यू और पी एंड आर ओके सो वॉट यू हैव डन इज यू हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द स्टेटमेंट्स ओके तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एब्जॉपन लॉ के बारे में नॉट ऑकिंग अब एब्जॉपन लॉ सो एब्जॉप्शन लॉ का फंडा सिंपल सा है कि अगर आपके पास एक स्टेटमेंट है और आपके पास उस स्टेटमेंट के साथ दूसरा स्टेटमेंट कंबाइंड है whether in and or in or, तो आपका final answer आएगा जो statement दो बार repeat हुआ है वो सो पी और पी एंड गिव यू पी पी एंड पी और यू नीड टू फोकस ऑन द साइंस योर साइंस देखिए बाहर ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर साइंस आर अपोजिट जस्ट अपोजिट सो यू नीड टू कीप दिस इन माइंड जब ये कंडीशन हो ऐसा आपको स्टेटमेंट दिखे फर्स्ट आपका जो स्टेटमेंट है पी फर्स्ट ऑपरेंट दैट इज फर्स्ट वेरिएबल और सेकेंड वेरिएबल जो आपका है वो दोनों सेम होने चाहिए उसी केस में यू कैन अप्लाई दिस लॉ एब्जॉर्प्शन लॉ जिसमें आपको फाइनल आंसर आ जाएगा पी ओके द वेरिएबल विच इज गेटिंग रिपीटेड नॉट टॉकिंग अबाउट डी मॉर्गस लॉ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ एंड वेरी फेवरेट लॉ मैनवर यू हैव अ लॉजिक स्टेटमेंट दैट इज पी और क्यू फॉर एग्जाम्पल और उस पर आपने लगा दिया नेगेशन तो पी और क्यू का नेगेशन को अगर आपको सॉल्व करना है सो यू नीड टू ओपन द ब्रैकेट्स एंड यू विल गेट नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू तो हुआ क्या इंडिविजुअल वेरिएबल्स पे नेगेशन अप्लाई हो गया और, और का बन गया एंड दिस इज नोन एज डी मॉग लॉ सो वेन एवर यू हैव टू अप्लाई नेगेशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट दिस इज हाउ यू डू इट इफ इट्स अ कंपाउंड प्रपोजिशन सो पी और क्यू इज अ कंपाउंड प्रोपोजेशन सिमिलरली पी एंड क्यू इज अ कम्पाउंड प्रोपोजिशन तो वही करना है इंडिविजुअली नेगेशन लगाना है और एंड का और हो जाएगा सो नेगेशन पी और नेगेशन क्यू दिस इज नॉन एज डिमॉग लॉ कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज इम्प्लीकेशन लॉ ना वट इज इम्प्लीकेशन लॉ अगर आपके पास दो स्टेटमेंट्स है पी एंड क्यू और उनके बीच में उनके बीच में इम्प्लीकेशन का सिंबल है सो पी इम्प्लीकेशन क्यू कैन ऑल्सो भी रिटर्न एज नेगेशन पी और क्यू तो फर्स्ट वेरिएबल पे आ जाएगा नेगेशन, बीच में इम्प्लीकेशन विल बी रिप्लेसड विथ और, एंड क्यू विल रिमेन एज इट इज़ सो दस वेरी इम्पॉर्टेंट गाइज वेरी यूजफुल एंड वेरी इम्पॉर्टेंट लॉ इम्प्लीकेशन लॉ कमिंग टू नेक्स्ट दैट इज कॉन्ट्रा पॉजिटिव लॉ सो इफ यू हैव अ स्टेटमेंट पी एम्प्लीकेशन क्यू सो कॉन्ट्रा पॉजिटिव लॉ क्या होता है जो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का कॉन्ट्रा पॉजिटिव बनाते हैं कॉन्ट्रापोजिटिव आपने पढ़ा होगा पहले भी मेरे एक वीडियो में है जिसका लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगी. सो कॉन्ट्रापोजिटिव में क्या होता है आपका जो स्टेटमेंट है वो रिवर्स हो जाता है और इंडिविजुअल वेरिएबल्स पे या फिर इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स पे नेगेशन अप्लाई हो जाता है सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू कॉन्ट्रापोजिटिव लॉ में वी आर गोइंग टू अप्लाई नेगेशन ऑन द पर्टिकुलर लॉजिक स्टेटमेंट सो पी इम्प्लीकेशन क्यू का हो जाएगा नेगेशन क्यू इम्प्लीकेशन नेगेशन पी सो रिवर्स्ड एंड नेगेशन अप्लाइड ऑन इंडिविजुअल वेरिएबल्स नॉट कमिंग टू इक्वी लॉ इच इज द लास्ट लॉ ऑफ लॉज ऑफ प्रपोजिशन सो पी इम्प्लीकेशन क्यू एंड क्यू इम्प्लीकेशन पी सपोज आपके पास ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें पी इम्प्लीकेशन क्यू है और फिर क्यू इम्प्लीकेशन पी भी है और बीच में एंड का सिम्बल है तो दिस कैन बी रिप्लेसड विथ पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू ओके नो एस इक्वैलेंस लॉ सो दिस वॉज इट गाइज इट वॉज ऑल अबाउट लॉज ऑफ प्रपोजिशंस आई होप आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके पूछ सकते हैं अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल थैंक यू सो मच